Hello, good morning, little children, fifth standard. Hi, this is Rachna ma'am. और मैं आपका ले रही हूँ मैथ। जैसे आपको पता है, आज पार्ट टू में हम देखेंगे कि ऑर्चिड मैंगो जो है और उसकी जो फार्मर्स है वो कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं और किस तरह से वो अपने बेस्ट ऑफ द मैंगो करने की कोशिश में होते हैं। देखिए, फाइंड आउट वाओ हाउ मेनी मैंगोज, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। क्यों व्हीकल्स? क्योंकि मैंगो या कोई भी उत्पादन अगर खत्म होता है और उनका पूरा प्रोडक्शन अच्छे से निकल जाता है तो व्हीकल चाहिए हमको, राइट, जहाँ से उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ड्रॉ द स्केचेस फ्रॉम द व्हीकल, ये हम कवर करेंगे। और व्हीकल्स कैरिंग मैंगोज, लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट सम विद नंबर और फ्रूट मार्केट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपको नहीं पढ़ना है ना तो भी आपका मन होगा। क्यों? क्योंकि खाने वाली बात है, मैंगो सबको पसंद है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको बोर होने वाला नहीं है। हमने लास्ट टाइम रिविजन में देखा कि कैसे कैसे जो ट्रीज है वो बड़े हुए, हेल्दी हुए, और नेशनल और फिर मैंने आपको याद है बोला था कि मैंगोज की जो भी डिजाइन है वो आप बना सकते हो होमवर्क में। क्या सबने होमवर्क किया है? तो देखो, ढेर सारे मैंगोज हैं, फिर उनका प्रोडक्शन है पेज नंबर टू पे। आप देखिए, इनको अच्छे से बॉक्सेस में पैक किया है। और बच्चों, ऐसे ही नहीं, इसमें कैलकुलेशन भी होता है। जैसे ब्रिंग सिमिलर नंबर्स ऑफ मैंगो बॉक्सेस as the number of students in the class. Each box contains 18 mangoes. If all the students were open, the boxes of 5 mango in a simple P. What will be the total number of mangoes in the heap? वो भी आपको देखना है। तो 10 mangoes each में आएंगे, big heap में आएंगे। तो ये हो गई हमारी mangoes की बात। अच्छे से मैंगोस कैलकुलेट करके बॉक्सेस में डालते हैं, बस इतना ही आपको जानने की आवश्यकता है। फिर फोर्थ नंबर पे देखिए, यहाँ पे कपल का फोटो दिया है। बच्चों, इन्होंने बेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट मैंगो का उत्पादन किया है, 3.435 kg का एक मैंगो उन्होंने फिलीपींस के लोगों ने बढ़ाया है। सोचो उनको कितना फर्टिलाइजर दिया होगा तब जाके ये इतना बड़ा पका होगा। जैसे हैड मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगो ऑफ डिफरेंट शेप्स, मैंने आपको बोला था डिफरेंट शेप्स में मैंगो बनाइएगा। तो देखो, जेंसी ने हमारी, आपको तो पता नहीं है, बट जेंसी ने हमारे देखो कितने अच्छे अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। को भी वैसे डायग्राम्स ड्रॉ कर लो, जब आप स्कूल आए तो हम डेफिनेटली आपका वर्क चेक करेंगे। व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोस, डोंट गेट कंफ्यूज टू सी कितने सारे मैंगोस होते और कितने अच्छे अच्छे होते। तो हमको लगता है ये भी खा लो, वो भी खा लो। तो देखो, अल्फांसो होता है, केसर होता है, फिर तोतापुरी होते हैं, है ना, लंगड़ो मिर्चे, और दशहरी भी होता है, बादाम भी होता है। बादाम सबसे महंगा और मीठा होता है बच्चों, और लंगड़ा भी होता है, वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। कुछ लोग तो उनको ऐसे दबा दबा के खाते हैं, रस वाले होते हैं ना, इसलिए। विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबाउ वैरायटीज हैव यू टेस्टेड? आपको कौन से प्यारे प्यारे मैंगोज आपने टेस्ट किए वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो वो आपको होमवर्क पे लिखना है कि मैम मुझे तोतापुरी पसंद है, मैम मुझे बादाम पसंद है, कि मैम मुझे लंगड़ा पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो आप मुझे लिख के भेजिए। फिर मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मैंगो ऑर्चर्ड, व्हेन हैव यू सीन? देखिए, यहाँ से भी आप गलोडी जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो बहुत सारे ऑर्चिड्स हैं। आप अपने डैड मॉम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं,
या तो आप टीवी पे भी देख सकते हैं या तो रियल में भी देख सकते हैं, है ना। और जो लोग बहुत बहादुर बच्चे हैं आपकी तरह, वो ट्री पे भी चढ़ जाते हैं और मैंगो तोड़ के खाते हैं, सबको दूसरों को भी देते हैं। हमारे यहाँ भी, मैं अगर आपको मेरे घर का किस्सा बताऊं, तो हमारे पास बड़ा सा मैंगो का ट्री था और वो बहुत ज्यादा मीठे आम देता था। तो हमने क्या किया था, उसको हाफ हाफ में बांट दिया था जिनकी जमीन है, और सबको हमने पांच 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 सबको हमने दे के खाए थे। फिर एक बार आंधी तूफान आया तो पूरा पेड़ गिर गया। पेड़ गिर जाने के कारण बहुत जान हानि की संभावना लगी, इसलिए फिर उसको उठा के अच्छे से रख दिया और फिर दूसरा पेड़ वहां लगाया। Imagine you have come from a mango orchard with a farmer. The leaves of the trees are making rustling sound and gentle breeze. A cooling sound is heard from up the mango tree. Okay? The mangoes on trees are swinging on branches because of the breeze. The farmer starts his work in the dark and early morning. Some farmers go in the fields. अभी गुलाब कांड का मैंने बोला था आपको बच्चों, क्या आपने उनकी माइटी ली है? नहीं तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो कि गुलाब कांड किसके लिए यूज होते हैं। तो भैया यहाँ से वहाँ सामान यूज करने को, how much time will it take to cover 10 kilometers give a distance. ओके, तो क्या है, हर जगह तो व्हीकल्स नहीं होते, इसलिए पहले लोग गुलाब कार्ड्स का यूज करते थे। वी कैन फील द विंड एंड आल्सो द सन मूविंग विद अस ड्यूरिंग द जर्नी। इफ यू हैव फॉरगॉटन योर डायरेक्शन, वी कैन फिगर आउट एंड हेल्प आउट द पोजीशन ऑफ द सन राइट। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रेज। आपको पता है सूरज अगर वहां है तो आपको पता है कि वो किरणें हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट किरणें नहीं पता चलेगी, बट आपको ये पता चलेगा कि सन आपके सिर पे है। ठीक है, इसमें यही समझना है। पेज नंबर 7 में, वाओ सो मेनी मैंगोज। देखिए पेज नंबर 7 पे सेकंड पिक्चर कितना प्यारा है, कितने रसीले आम है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। Farmer select a grape from the mango tree and which gives more mangoes to sow the plant and grow it in the farms. And farmer has to wait for so many years to grow the big mango and to get the mangoes of the on that tree. जैसे हम हैं, हम अपने डैडी मम्मी को कितना प्यार करते हैं, डैडी मम्मी आपको कितना प्यार करते हैं, कितना सारी आपकी देखभाल करते हैं, वैसे फार्मर उनके मैंगोज की बड़ी देखभाल करते हैं और वो वेट करते हैं, उनको बेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर देते हैं कि कब वो बड़े हो और मैं उनको सेल करूं और ढेर सारे रुपया और रुपए कमाऊं। फिर बच्चों ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ वेहीकल। द मैंगो विच आर रेडी फॉर सेल आर कैरी एंड APMC मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट। APMC आपको याद रखना है, APMC इसका मीनिंग पूछेंगे आप, इसका पूरा आपको बताना है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, है ना। और मार्केट यार इन द बाजार ऑफ डिफरेंट वेज। ओके, अंडरलाइन कीजिए, to supply the mangoes to market yard as early as possible. Big or small vehicles are used. A tractor moves at the speed of 20 kilometers. है ना? तो covers the same speed in 3 hours. How much time will it take to cover 85 kilometers? ये आपको ढूंढना है। जैसे draw the sketch of sketches following
व्हीकल्स, कौन से व्हीकल्स है देखिए। नाउ डेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मैंगोज आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन इज डेवलप्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आर मैंगोज आर एक्सपोर्ट टू डिफरेंट स्टेट्स, तो ये हुई नहीं अच्छी वाली बात। तो बच्चों ये सब जानकारी यहाँ पे पेज नंबर 8 पे दी है। अभी बुलक कार्ट तो बहुत ही स्लो प्रोसेस करेंगे, इसीलिए दूसरे भी व्हीकल्स ला दिए, जैसे ट्रैक्टर है, फिर छोटा हाथी है, जीप है, फिर कौन सा लंबी वाली वो शॉर्ट वाली जीप है। आर मैंगोज आर एक्सपोर्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो टू द ऑफिस कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल्सो टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इज ह्यूज क्वान्टिटी इज कैरीड आउट बाय ट्रक्स एंड बाय एयरप्लेन। एरोप्लेन से भी अपना जो माल है मैंगो का उत्पादन है बेस्ट ऑफ द मैंगोज वो बच्चों फॉरेन में हाथ भेजते हैं। It is a matter of concern for our environment and health that the use of fertilizers and pesticides have increased in mango orchards. अब क्या होता है, आधे मैंगो तो इंसेक्ट्स खा लेते हैं, वहां जंगली जानवर होते वो फिनिश कर देते हैं, इसलिए मैंगो को संभाल के रखना बहुत बड़ी चुनौती की काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, उनमें अच्छे से फर्टिलिटी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं ताकि डेंजरस केमिकल्स आर यूज्ड टू राइट फ्रॉम द होम। मैंगोज वीकली विद इन हाफ आर एट प्रेजेंट आर हेल्प एट प्रेजेंट मेनी फार्मर्स ग्रो मैंगोज बाय ऑर्गेनिक मेथड विदाउट यूजिंग केमिकल and keep our health as well as the land food. तो बच्चों यहाँ पे कुछ farmers बड़े अच्छे हैं, वो chemical नहीं use करते, वो chemical organic way में ही food पकाते हैं और sell करते हैं। और हमें इसीलिए बहुत बार ढूंढना पड़ता है क्योंकि अगर ज़्यादा उसमें pesticides की मात्रा है तो वो हम भी खा सकते हैं, तो हमको भी problem हो सकता है। Some people buy raw mangoes, get them ripened at their own by using dry jars, jute sacks, onions, peppers and greens and enjoy it. कुछ लोग क्या करते हैं कि green mangoes ले लेते और फिर उनको पकाने के लिए रखते, पेपर में रैप करते हैं, onions के साथ रखते हैं, जूट बैग में रखते हैं और फिर उनको पका के खाते हैं। Many types of mangoes are existent since many years. Earlier, huge native desi mangoes were more in numbers. For underline karo, commonly 3-4 mangoes I've seen in the farm. Okay? तो हमको यहाँ पे theory में ये सुनना है कि native mangoes are also extinct. If there is no mango tree, they will be hearing of kakus. Kakus बहुत बुलाएंगे क्योंकि उनको भी मैंगो बड़ा पसंद है खाने के लिए। How will you enjoy mangoes? By climbing the mango tree like our grandfathers when they are kids. How will you enjoy? आपको कैसे पसंद आएगा मैंगो लेना? डायरेक्ट दुकान में जाएंगे और ले लेंगे, डायरेक्ट देंगे खा लेंगे, या फिर आपको भी अच्छा लगेगा, आप ट्री में चढ़ोगे और पकड़ के खाओगे, है ना, उतार के खाओगे। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपका शेयर करना, बुक में लिखना बेटा, और ये सारे पॉइंट्स आप कवर करना। तो आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम आगे देखेंगे कि कितना व्हीकल्स कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम। देखो वहां भी टेबल है, वो भी आप देख लेना कि कितना डिस्टेंस कवर करते हैं ये लोग, है ना। अगर 200 ट्रांसपोर्टेशन का ट्रिप है तो स्पीड कितनी है इनकी कवर की व्हीकल्स नहीं, तो वो टेबल आप लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट में हम
देखेंगे कि बिग स्मॉल नंबर्स कितने हैं। फ्रूट मार्केट में हम जाते हैं तो हम कैसे चुन के मैंगोज लेते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंगो वाला लेसन है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।